एसएससी एमटीएस 2022 में एक छोटी सी क्वेरी है, मैं समझा देता हूँ बहुत से स्टूडेंट कहीं ना कहीं जिनको ये डाउट हो रहा होगा कि जो आप जब आप फॉर्म भरते हो तो बहुत से स्टूडेंट्स के मार्कशीट में आपके ओरिजिनल आईडी में नाम अलग अलग होते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार नाम कौन सा भरें। तो यहाँ पे आपको नाम कौन सा भरना है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी नाम आपके 10th की मार्कशीट में है, ध्यान रखें बात, 10th की मार्कशीट में जो भी नाम है, फादर्स नेम जो भी है, सेम एग्जैक्ट वही होना चाहिए, क्योंकि वो लोग जब क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो मैट्रिक मतलब 10th से ही वो पूरा आपका वेरीफाई करते हैं, चाहे वो आपका सर्टिफिकेट हो चाहे वो आपका मार्कशीट हो। तो भैया ये चीज़ ध्यान रखो। अब बात आती है कि मान लो वो अगर नाम अगर किसी भी सर्टिफिकेट में नहीं है, तो भैया गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आधार में आप करेक्शन करवा सकते हो, तो आधार में आप वही 10th की मार्कशीट लगवा के आप अपने नेम का करेक्शन करवा सकते हो अगर आपके पास कोई भी आईडी नहीं है, लेकिन 10th की जो आपके मार्कशीट में नेम है वही नेम आपका कंसिडर किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, कोई भी गलती नहीं करेगा इसमें, बहुत से स्टूडेंट लगातार गलती करते हैं। और बाकी कोई भी एक क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले पर टाइप करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं लगातार पूरा एक एक चीज़ में समझाता जा रहा हूँ। जो जो स्टूडेंट गलती करते हैं अभी तक जितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं CBO स्टेनो CGL में, मैं नहीं चाहता कि आपका फॉर्म अब रिजेक्ट हो, ठीक है। और बाकी जो भी आपको लगता है कि भाई ये मुझे पूछना चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी काम के अपडेट यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना।